हेलो गाइस एंड वेलकम टू फैंटेसी टीम। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच में जो वार्म अप मैचेस होने वाला है कार्डिफ में, इसी मैच के बारे में। सबसे पहले मैं आपको, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि वार्म अप मैचेस बहुत ही रिस्की होते हैं। बहुत ज़्यादातर टीम जो है अपनी कॉम्बिनेशन जो है वो बैठाने के लिए, पिच जो वेदर है उसके अनुसार ढालने के लिए जो है वार्म अप मैचेस होते हैं। तो ये टीम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैचेस नहीं होते हैं, लेकिन जो टीम, जो छोटी टीम है, यानी आप कह सकते हो जो आईसीसी रैंक पे छोटी है, वो इस मैच को जो है जीतने के लिए खेलती है। जैसे ये मैच जो है बांग्लादेश के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन इंडिया जो है फिर भी कुछ कॉम्बिनेशन जो है इस मैच पे जो है ट्राई ज़रूर करने वाले हैं। तो मैं आपको जो है इस मैच की सारी डिटेल्स बताऊँगा और बहुत ही एक बेहतरीन मैं आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बताऊंगा आप कैसे बना सकते हो। लेकिन इस यहाँ पे मैं आपको प्रेडिक्ट करके बताने वाला हूँ, टीम दिखा सकता हूँ, लेकिन टॉस के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती है। तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप अगर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे तो टॉस के बाद मैं वहाँ पे टीम अपडेट करता हूँ, जो टीम आपको लगभग 90% जो है हमेशा विनिंग करा के देती है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो बात कर लेते हैं बांग्लादेश और इंडिया के मैच के बारे में, जो कि कार्डिफ में है और लास्ट मैच यहाँ पे जो है बारिश के कारण नहीं हो पाया था। तो सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, ग्राउंड की एवरेज जो फर्स्ट इनिंग टोटल है वो 227 है, लेकिन ये बहुत सालों का रिकॉर्ड है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इंग्लैंड की हर पिच पे जो है लगभग आप जो है, अगर इंडिया जैसी की टीम अगर बैटिंग करती है तो आप 300+ स्कोर समझ के चल सकते हो। अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो ऐसा आप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत ही स्ट्रांग है, बांग्लादेश को 250 या फिर 270 के अंदर जो है ऑल आउट कर सकती है। तो बात करते हैं, इस ग्राउंड पे हाईएस्ट टोटल बना था 342 रन्स और लोएस्ट टोटल बना था यहाँ पे 138। हाईएस्ट चेस टोटल यहाँ पे बना था 304 और लोएस्ट डिफेंस जो कि सबसे कम रन करके मैच जीत गए थे वो थे 169 रन करके भी जो इस ग्राउंड पे पहले मैच जीत चुके थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की रिसेंट मैचेस पे जो है उन्होंने लास्ट मैच पाकिस्तान के साथ खेलना था, लेकिन बारिश के कारण मैच नहीं हो पाया। वहीं पे लास्ट मैच उन्होंने जो बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेले थे वहाँ पे जीता था। वो उसके पहले उन्होंने जो है 15 मई को आयरलैंड के खिलाफ ट्रायंगुलर सीरीज पे खेला था, वो भी जीता है। तो लास्ट के जो है तीन में से आप कह सकते हो दो मैच इन्होंने जो है जीते हुए हैं। वहीं पे इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लास्ट मैच, हालांकि वार्म अप मैचेस था जो कि रिकॉर्ड पे नहीं आता है, लेकिन अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो लोग हारे, इंडिया हार गया था। उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दो मैच जो था वो भी सीरीज के एंड पे आके इंडिया पे वो हार गए थे। तो लास्ट आप कह सकते हो तीन और दो तीन मैच इंडिया जो है हार के ये मैच प्रैक्टिस मैच खेलने वाला है, हालांकि ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, वो है लिटोन दास की जो है इस वर्ल्ड कप में जो है वो डेब्यू करने वाले हैं, तो उनको शायद इस मैच पे मौका मिल सकता है। वहीं पे जो इंग्लैंड, जो बांग्लादेश है प्रॉपर शायद प्लेइंग 11 खिला सकती है, जो लोग इंग्लैंड जो है वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर मैचेस खेलने वाले हैं, इस मैच पे एक आपको एक चेकआउट मिल जाएगा। वहीं पे इंडिया जो है विजय शंकर को जो है यहाँ पे खिलाने की कोशिश करेगा, अगर पूरी तरीके से वो फिट है। वहीं पे जो है केदार यादव पे कोई फाइनल अपडेट नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं स्क्वाड पे कौन कौन है। तो बांग्लादेश के स्क्वाड पे यहाँ पे आपको मुस्ताफिजुर रहीम, मशरफी मुर्तुजा जो कि टीम के कैप्टन हैं, तमीम इकबाल, लिटन दास, शकीब अल हसन, सौम्या सरकार, मोहम्मदुल्ला, सबीर रहमान, मोहम्मद सैफुद्दीन, मेहदी हसन, रूबेल हसन, मुस्ताफिजुर रहमान, मोहम्मद मिठुन, अबू जायद और मुदस्सिर हसन आपको जो है बांग्लादेश के स्क्वाड में मिलेंगे। अब इंडिया के स्क्वाड पे कौन कौन है, दिनेश कार्तिक, एम एस धोनी, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, वहीं पे मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, लुकेश राहुल, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, केदार यादव और यहाँ पे
विजय शंकर। तो चार नंबर पे लास्ट मैच पे जो केएल राहुल को खिलाया था, तो इस मैच पे भी जो है शायद केएल राहुल चार नंबर पे खेल सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप हालाप्ले नहीं खेलते हो तो आप हालाप्ले ज़रूर के लिए, एक बहुत ही अच्छी फैंटेसी वेबसाइट है, आपको ज्वाइनिंग करते हैं आपको 50 रुपीज़ का कैश बोनस मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे आप यहाँ पे जो है रिवर्स फैंटेसी खेल सकते हो, जो कि इस तरह के मैचेस के लिए बिल्कुल आपके चांसेस जो है, अगर आप हेड टू हेड खेलते हो तो 90% चांसेस आपके रहते हैं जीतने के। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है और आपको पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है फ्री में भी जो कैश बोनस मिलेगा हालाप्ले से जो है खेल सकते हो। साथ ही साथ आप MPL भी खेल सकते हो, अगर आप MPL ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया हुआ है, बहुत ही आपको आप वहाँ पे भी जो है 50% जो है कैश बोनस जो है यूज़ कर सकते हो अपनी जो है कैश बोनस, जो कि आपको रिफर कोड देने के बाद आपको मिलता है। तो बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम से, टीम की सो टीम की जो कॉम्बिनेशन है आपको बहुत ही सोच समझ के लगानी है, और मैं आपको एक डेमो देने वाला हूँ, हालांकि फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेशन पे, अभी तो आप ड्रीम इलेवन पे 4 विकेट कीपर ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा रहीम और लिटन दास के साथ जा सकते हो। धोनी और दिनेश कार्तिक की ये चीज़ है जो अगर कल के मैच पे अगर ये दोनों को बैटिंग करने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक उतना स्ट्रांग नहीं है कि इंडिया की टॉप ऑर्डर को जो है वो जल्दी से जो है आउट कर सके, क्योंकि लास्ट मैच पे जो इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था उस पर ट्रेंट बोल्ट ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन ऐसा बांग्लादेश के बॉलिंग लाइनअप पे नहीं है। तो ज़्यादातर चांसेस है विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन, और उसके बाद नंबर 4 या फिर नंबर 5 पे जो है यहाँ पे विजय शंकर को खिला सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे विजय शंकर को लिया हुआ है। आप चाहें तो रोहित शर्मा और शिखर धवन को ड्रॉप करके केएल राहुल को भी ले सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने रखा है, वहीं पे मैंने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर में से किसी को नहीं लिया हुआ है। अगर लिटन दास खेलते हैं तो शायद ओपनिंग कर सकते हैं या फिर नंबर 3 पे बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तमीम इकबाल यहाँ पे, उसके बाद मैंने यहाँ पे सौम्य सरकार को नहीं लिया हुआ है, क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग अटैक है बहुत ही अच्छी बॉलिंग अटैक है, तो टॉप ऑर्डर को रन करने के लिए जो अलग नहीं देंगे। तो उसी कॉम्बिनेशन के साथ मैंने यहाँ पे जो है टीम बनाई हुई है। ऑलराउंडर पे मैंने यहाँ पे शकीब अल हसन और यहाँ पे हार्दिक पांड्या को लिया है। लास्ट मैच पे शकीब अल हसन नहीं खेले थे और इस मैच पे शायद खेल सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर नहीं खेलते हैं तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। वहीं पे यहाँ पे बॉलिंग पे मैंने यहाँ पे युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी और मुस्तफिजुर रहीम को लिया हुआ है। अब मैं आपको कुछ ग्रैंड लीग की जो है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बता देता हूँ। पहले स्मॉल लीग के लिए मेरे हिसाब से आपको कोहली कैप्टन बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, आपके ओपोनेंट का भी कैप्टन जो है कोहली रहेंगे, तो आपको उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादातर ध्यान जो है टॉस के बाद लगानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना है, और वार्म अप मैचेस वैसे भी बहुत ही रिस्की होते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से जो है टीम बनाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं वाइस कैप्टन स्मॉल लीग के लिए, मैंने यहाँ पे शिखर धवन को लिया हुआ है, क्योंकि शिखर धवन ने लास्ट कुछ मैचेस पे जो है अच्छी खासी जो है इनिंग नहीं खेली है, और बांग्लादेश एक बहुत ही आप कह सकते हो इंडिया के हिसाब से बहुत ही वीक टीम है, तो वो इंडिया के ओपनर जो अच्छा खासा जो स्कोर कर सकते हैं, तो आप शिखर धवन या फिर रोहित शर्मा में से किसी एक को वाइस कैप्टन बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की कुछ प्लेयर्स की जो आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर एक प्लेयर का मैं नाम लूँ, मुस्तफिजुर रहीम, जो कि बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं लास्ट 8-9 मैचेस पे, तो इनका एवरेज बहुत ही हाई है, तो आप चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन रख सकते हो। इसके अलावा शकीब अल हसन अगर खेलते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे ग्रैंड लीग के लिए, जो आपको अच्छी खासी बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी आपको जो है पॉइंट दिला सकते हैं। इसके अलावा एक की प्लेयर जो हमेशा रहेंगे हार्दिक पांड्या, आपको पता है अगर हार्दिक पांड्या को अगर मिनिमम अगर 15 ओवर भी बैटिंग करने को मिल जाता है तो वो उस पे जो है 75 से लेके जो है 90 तक जो है रन बना सकते हैं, तो एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। ऊपर से आपको बॉलिंग भी करके देंगे और बॉलिंग में भी इनका फॉर्म बहुत ही अच्छा है,
एक दो विकेट आपको लेके दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉलर्स के बारे में, तो इस मैच पे इंडिया के बॉलर्स आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के बॉलर्स जो हैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो मेरी सोच के हिसाब से मैंने टीम बनाया है, हालांकि फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर करना अगर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हो व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो शायद वर्ल्ड कप का ही आए, जो कि फर्स्ट मैच होगा वर्ल्ड कप का। उस मैच पे मैं आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की दोनों की टीम की सजेशन भी दूंगा और आपको अच्छा विन करा के भी दूंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।